वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बीते हफ्ते में दो बार बर्फबारी हुई। बादल छटने के बाद यहां पारा 3 से 4 डिग्री नीचे आ गया। ऊंचाई वाले इलाकों से आने वाली सर्द हवाओं ने मैदानी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ा दी है। पहाड़ों से ज्यादा मैदान में ठंड, अब की बार ठंड है प्रचंड। माउंट आबू में पारा -4। दिसंबर के पहले दो हफ्तों में पंजाब और हरियाणा में अधिकतम तापमान 20 डिग्री के आसपास रहता है, लेकिन इस बार ये तापमान 15 से 16 डिग्री के बीच है और कहीं कहीं तो ये सामान्य से 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक कम है। यही वजह है कि भारत के उत्तरी इलाकों में कड़ाके की सर्दी हो रही है। इसलिए आज हम आपको देश के 5 राज्यों में ठंड का हाल बताएंगे। इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम राजस्थान की, जहां के 10 शहरों में तापमान 10 डिग्री से भी नीचे है। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में रात का पारा 4 डिग्री गिरकर इस सीजन में पहली बार माइनस में पहुँच गया। यहाँ रात का पारा -4 डिग्री दर्ज किया गया। बात अगर पिछले साल की करें तो पिछले साल यहां 27 दिसंबर को पारा माइनस में पहुंचा था। राजस्थान में ठंड प्रचंड, पिलानी में पारा 6.4, चुरू में 7.7, गंगानगर में 8.9 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा के कई इलाकों में सुबह से धुंध छाई रही। कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल, अंबाला में दिन का तापमान हिमाचल के शिमला से भी कम रहा। हरियाणा में ठंड का कहर, शिमला में अधिकतम तापमान 14.9 डिग्री, लेकिन कुरुक्षेत्र में ये 14 डिग्री, पानीपत में 14.2 डिग्री, करनाल में 14.6 डिग्री, अंबाला में 14.7 डिग्री पर आ गया। महाराष्ट्र में बड़े चक्रवात का असर छत्तीसगढ़ तक नजर आ रहा है। राजधानी रायपुर में हल्की फुहारें पड़ी, हालांकि इसने गर्मी से राहत नहीं दी। यहां सोमवार को दिन भर बादल छाए रहने के बावजूद अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री रहा, ये सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा रहा। रात का तापमान 19 डिग्री रहा, जो सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा था। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार 4 दिन से बारिश का दौर जारी है। भोपाल से लगे बैरागढ़ में सोमवार को बादलों के चलते 3 घंटे में 4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सुबह 11:30 बजे तक विजिबिलिटी 800 मीटर थी, शाम तक विजिबिलिटी घटकर 600 मीटर रह गई। दिन और रात के तापमान में सिर्फ 1.7 डिग्री सेल्सियस का अंतर रहा। पटना समेत बिहार के सभी जिलों में घना कोहरा रहा। साथ ही ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि 16 दिसंबर को पटना और गया समेत राज्य के 21 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान विजिबिलिटी 100 से 400 मीटर होने का अनुमान है। उत्तर भारत से आने वाली बर्फीली हवाओं की वजह से प्रदेश में ठिठुरन बढ़ने के आसार है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे उत्तराखंड का, जहां देहरादून से हमारे संवाददाता उपेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, जिस तरह से ठंड का कहर देखा जा रहा है, इस तरह से ठंड बढ़ी है कि अब लोग जो हैं घर में दुबकने के लिए मजबूर हो गए हैं, वहां पे क्या अभी स्थिति है? देखिये दीप्ति, अगर उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहां पर भी जो ठंड है इसमें इजाफा हुआ है। जिस प्रकार से 12 दिसंबर को जिस प्रकार से उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं और मैदानी क्षेत्रों में जिस प्रकार से बारिश देखने को मिली है, उसके बाद से उत्तराखंड के कई हिस्सों में जो है ठंड में काफी इजाफा हुआ है। जो लोग हैं उन्होंने गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं और शहर भर की अगर बात की जाए तो अलाव जलने भी शुरू हो गए। शाम 7 बजे के बाद जो है अलाव भी जलने लग गए हैं। साथ ही रेन शहरों में जो व्यवस्था है वो भी कर दी गई है। जो शहरों में जो रहने वाले जो लोग हैं उनको भी कंबले दे दिए, तो तमाम जो व्यवस्थाएं वो कर दी गई है। हालांकि पहाड़ी अगर क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो जो 3000 फीट के जो ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं, जो चारधाम के जो इलाके हैं, वहां पर बर्फबारी देखने को मिल रही है। कुमाऊं रीजन के अगर अल्मोड़ा की अगर बात की जाए तो वहां पर बर्फबारी भी और जो बारिश है वहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में जिस प्रकार से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, तो मैदानी क्षेत्रों में
ठंडी हवाएं जो है वो चल रही है, जिससे ठंड में जो है इजाफा हुआ है। अगर आने वाले दिनों की अगर बात की जाए तो इसी के साथ राजस्थान का रुख करेंगे, जहां पर सिरोही से हमारे संवाददाता भवानी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। भवानी, राजस्थान में अभी क्या स्थिति है, क्योंकि अगर देहरादून और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर ठंड में काफी ज्यादा इजाफा देखा जा रहा है। राजस्थान की क्या स्थिति और प्रशासन किस तरह से लोगों के लिए यहां पर मुस्तैद है, क्योंकि रैन बसेरों का जो है यहां पर इस समय ज्यादा प्रयोग किया जाता है, लोग रैन बसेरों का ज्यादा रुख करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे उत्तरी पहाड़ों में जो बर्फबारी होने से यहाँ पे -4 तक ये पहुंच गया है पारा, और यहाँ पे ठंड भी बहुत ही ज्यादा है और कोहरा सुबह से ही कोहरा चारों तरफ देखा जा रहा है, और इतनी जमा बिंदु जैसा मतलब बर्फबारी भी शानदार हुई है। यहाँ पे भी सुबह से बर्फबारी, जो पानी और हम बाहर भी रखते हैं वो भी बर्फ जम गया है, और बहुत ही मतलब सबसे भयंकर यहाँ पे ठंड पड़ रही है। अभी भी हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे भी ठंड, हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं कोहरा, पूरा चारों तरफ कोहरा दिखाई दे रहा है। और उपेंद्र, इसी के साथ आपके पास आना चाहेंगे, आपने अभी जिक्र किया कि रैन बसेरा और जो अलाव का लोग सहारा ले रहे हैं उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी हैं कि किस तरह से जो इस तरह से ठंड, प्रचंड ठंड बढ़ी है उससे जनता किस तरह से उभरे, और इसके साथ ही जो लोग रैन बसेरों का रुख कर रहे हैं उनको ताकि सुविधाएं मिल सके। बिल्कुल दीप्सी, अगर उत्तराखंड की अगर बात की जाए और देहरादून शहर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिसका से ठंड में इजाफा हुआ है, तो ऐसे में नगर निगम प्रशासन के द्वारा जो अलाव जलाने की जो व्यवस्था है वो कर दी गई है, साथ ही रैन बसेरों में तमाम वो व्यवस्थाएं कर दी गई है जो कि फुटपाथ पर जो रहने वाले जो लोग हैं, जो फुटपाथ पर रहते हैं उनके लिए रैन बसेरे तैयार कर दिए गए हैं, उनके लिए जगहें जो है वो रखी गई है और व्यवस्थाएं पूरी चाक चौबंद जो है वो की गई है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है, जिस कार से ठंड में लगातार जो है हो रहा है, क्योंकि अब जो ये दिसंबर और जो आने वाली जो जनवरी का ज्यादा होती है, जिसके वजह से कई जो सड़कें हैं वो अवरुद्ध होती हैं, लोगों को डायवर्जन कर दिया जाता है, उससे भी दिक्कतें होती हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए उपेंद्र और भवानी सिंह आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। तो ठंड काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, और इसके साथ ही अगर बात करें राजस्थान, देहरादून और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो ठंड में काफी ज्यादा इजाफा हो गया है।